हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो अब हम जा रहे हैं नरेश के घर पे और मौसम गजब हो रखा है। ओहो, क्या गजब हवा चल रही है बुरी वाली। आज भगवान की शादी, उनके शादी क्या आज साव बहुत बड़ा साव है। वैसे बहुत शादी है और आज जरूर खराब होगी शादी मेरे हिसाब से, क्योंकि यही चक्कर रहता है इस टाइम शादियों को खराब करने का सीजन चलता है भगवान का। यार तो ये है, अभी आले, हाँ एक दो घंटे शाम तक में आ रहे हैं। मतलब अरे यार भाई, हलवाई लग रहा है, बहुत बुरी हवा चल रही है, मिट्टी उठ रही है बहुत बुरी। उन्होंने अपने आसपास तो भेज दिया, दूसरे खेतों की नहीं हुई। हवा गजब चल रही है, बारिश आ जाएगी तो ये है। पहले बारिश आ जाती ना तो पहले बारिश आ जाती और फिर हवा चल जाती, तो क्या है कि मिट्टी उड़ती नहीं। अब मिट्टी देखो कितनी बुरी तरह कैसे उड़ रही है, और फिर हलवाई भी यार बारिश आ जाए, सारा डामाडोल कर दिया मौसम का। वो फटे वो अलग, हाँ टेंट उखड़ेंगे वो अलग, हवा इतनी तेज चल रही है, गलत है सारा। मतलब इनका नहीं कह रहा, जिनका भी प्रोग्राम है सबका बुरा हाल कर दिया। सब आज ऑर्डर की भगवान आज रहने दो, कल कर देना। पर भाई क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले के ऊपर, ऊपर वाले के सामने किसी का कुछ बस चलता नहीं। फोन आ लिया उसका, उसी का ही चलते है बस। कब आ रहे हो? हाँ फोन आ लिया काफी बार, कब आ रहे हो भैया आ रहे हैं काम करके थोड़ा। और ये आंटी भाग रही है बारिश की वजह से, ये पेड़ के डाले टूट टूट के लग गए, पत्तियां गिर रही हैं, छोटे छोटे डाले टूट गए, छोटे छोटे डाले भी टूट गए, कड़े नहीं ये गिर गए। भगवान आ जा बता बारिश। और आप यहाँ पे गाड़ी के ऊपर डाल आके लगा धमाड़ देने जाऊ, डर गए। और ये देखिए क्या हो गया, और ये देखिए मिट्टी कितनी बुरी तरीके से उड़ रही है, सारा माहौल खराब कर दिया। आई थिंक देखो टेंट कितनी बुरी तरह से उड़ रहा है। टेंट तो खोल दोगे, पड़े पड़े सारे भाई। हाँ पड़े तो ऊपर कर दिए सारे, क्योंकि खोलने में ही फायदा है। अभी बिल्कुल मतलब काल जा बिल्कुल अदर हो गया था कि भाई शीशा तो गया, शीशा ना हो कोई बड़ा दम दे दे दम। हम लोग डर तो बोले को बड़ा होगा और शीशा गया, भाई गया। इतनी भयंकर आवाज आई, पहले पैसों की कमी है, इस पे ये है ना फायदा यही है बस, कि इस पे कुछ गिर जाए तो दिक्कत नहीं है, टेंट नहीं पड़ेगा, कुछ और नहीं होगा। डर तो लगता है भाई, इतनी जोर से बताई दम। ये देखे डेकोरेशन कर रखी है, टेंट लगा रखे, गाड़ियां खड़ी हैं, यार दोस्त प्यारों की, और ये नरेश की बुलेरो। तो ये देखिए हवा चल रही है, लोग भाग लग रहे हैं टेंटों के, कोई किसी के, कोई किसी के, भाग भाग इधर उधर दौड़ लगा लगा के पड़े ऊपर करने पे लग रहे हैं, और हवा चल रही है पूरी तरह। सामान वगैरह अंदर रखवा रहे हैं क्योंकि धूल उठ रही है, सामान जो बना रहे हैं हलवाई उस पर मिट्टी जा रही है। मैट मुट सब बिछाए, सब उलट फुलट कर दिया राम जी ने, आंधी ने, तो सारा उड़ गया ये। हेलो दोस्त, उड़ गोगे भाई, काम करो थोड़ी देर, होल्डर भाई कुर्सी का सीधी कर, बता क्या काम करवाने से हो, वो मुड़गो उड़गो थोके। तो कुर्सियां कर से सारी उल्टे उल्टे गई थी, ये सीधा कर रहे हैं। खाना वाना उठा दिया, और ये आ रहे देखो टेंट पकड़ रहे हैं दोबारा, आंधी आ रही है सब भाई टेंट। अरे सारे ही जगह खड़े होगा टेंट का खतर, तो भागे तोड़ लग गई, इसको पकड़ो, पकड़ ले भाई पकड़ ले। तो बुरा हाल कर दिया राम जी ने, पकड़ के रखो भाई, पकड़ लो भाई रे टाइट ले। अरे नानू तो क्या तरह गयो, अरे पकड़ो बेटे ज्यादा। तो सब ने टेंट पकड़ रखे, काम पे लग रहे, सब आंधी चल रहे पूरी तरह से।
बहुत बुरा हाल कर रखा है। ये देखिए ये उतर गए, ये उड़ के नीचे गिर गए, ये भी फोल्ड हो गए, कुर्सियां गिर गई, दूर दूर तक गिर रही है कुर्सियां। ये देखो कहाँ कहाँ उड़ के जा रही है कुर्सियां। बुरा हाल कर दिया राम जी ने आज, बहुत बुरा हाल हो गया आज तो। पूरी तरह मिट्टी मिट्टी उठ रही है, मिट्टी के भर गई नहाए धोए, और टेंट काल भी हाल कर दिया। तो ये निकल गया यहाँ से, तो फिलहाल टेंट के सपोर्ट लगा रहे ताकि उड़े ना आंधी से, रस्सी से बांध रहे हैं। स्पोर्ट लगा रहे हैं ताकि उड़े ना टेंट आंधी आए तो। बिछा सारा सेटअप दोबारा फिक्स कर दिया सारे भाइयों ने मिलके। यहाँ गुलजटी यादा भरी है ना, इसकी वजह से ना हो पा रही है। तो फिलहाल पिकअप को बांध देंगे थार के साथ, क्योंकि ये खेतों से लेके जानी है और पिकअप का फंसने खतरा है इसमें। यार डीजे और वांदर तक टेंट तक पहुँचाना है, तब बांधते थार को मेरा सही जाने। तो ये बांध रहे हैं अभी, सुबह 4 बजे तक पूरा है, कितना बजे तक भी निकटवा लिए। आज तक यूज ना करो भाई। तो फिलहाल ये चल रहा है बांधने का सेटअप। बांध दी टाइट, कदी ना खुले काटनी पड़े फिर। तो फिलहाल देखो देखते हैं खेच पाते कि नहीं खेच पाते। फिलहाल आराम से खींच के लेके जा रही है थार, कोई जोर नहीं लग रहा थार के बिल्कुल भी। तो थार पे कोई जोर नहीं लगा खींचने का। बाहर रेस दी थी आपने? मैं बस ये पहल डाम जो जी इतना ही साफ तो आलू भाई तो आंगो ना मरवा रहे थे आंगो लाग ना रहे थे पे आगे भी जमा कर नहीं। और आला देखे धुलवा के लाए थे, और देखो मिट्टी से आंधी ने क्या हाल कर दिया। तब अपनी थार कारपेट से जाएगी। तो खड़ी कर दिया थार आराम से। तो ये आपने जोड़ी पिकअप तो कितना वो लगाया थार? कोई जोर नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। 4x4 लगा रखा है, 2x2 4x4 में आराम से निकल गई, जो जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और कितना एक्सो जूम ला रहे हैं ऊपर, कितना एक्सो जूम ला रहे हैं ये हुक्का जब
हेलो गाइस, तो दोबारा अपने घर घुर होके और वापस आए हैं। दोबारा चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ, स्वागत दोबारा जी। फिर वैसे ही घुट गया और वैसे सारा सेटअप कर दिया यहाँ का, एंट्री वेंट्री सारी सेटअप कर दी और फिलहाल और काम चल भी रहा है। सारा सेटअप कर दिया और वहाँ पे भी चल रहा है डीजे वगैरह का, सब स्टेज वगैरह सारी कर रहे हैं। धीरे धीरे काम चल रहा है सारा। बस ये बारिश वगैरह आंधी वगैरह नहीं आई, जब सुबह आई थी तो सब कुछ तहस नहस कर दिया था, तो बुरा हाल हो जाएगा। और कोई काम नहीं, और इन दोनों को कोई काम नहीं। तो ये इंटीरियर का काम चल रहा है धीरे धीरे, बढ़िया। धीरे धीरे अंदर का सेटअप भी कर रहे हैं, जब वहाँ से जो हवा से उड़ गया था सब कुछ, तो सेट कर रहे धीरे धीरे। तो यहाँ सामने कन्यादान लिखा जा रहा है। तो ये ट्रैक्टर पे स्टेज है, ये स्टेज को रस्से से बांध दिया ताकि आंधी आए तो स्टेज गिरे ना, और इस साइड गाड़ी पे बांध देंगे ताकि आंधी आए तो रात को स्टेज गिरे ना, क्योंकि अभी आंधी आई थी थोड़ी सी, तो इधर बादल हो रखे आंधी के, तो दिक्कत नहीं, जिसकी वजह से ट्रैक्टर पे बांध रखे रस्सी लगा के, स्टेज बांध रखी अभी।